अगले कंटेस्टेंट की कोशिश रंग लाएगी। मेरा नाम राम कार्की है, शाओलिन मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ट्रेजर हूँ। मेरे अंडर में समथिंग 300 बच्चे ट्रेन कर रहा हूँ मैं एट द टाइम। मुंबई पुलिस स्पेशल इनकाउंटर शूटर जो कमांडर्स होते हैं उन लोगों को ट्रेन किया है मरोड़ नगर BTS में। मेरा बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे पिताजी आर्मी मेजर थे गोरखा रेजिमेंट में। हम कुंफू के बारे में परफॉर्मिंग करने वाले। कुंफू एक अद्वितीय कला है जो कि कराटे से अलग हटकर है। ये कला बहुत लोगों को पता नहीं है, तो हम इंडिया गॉट टैलेंट के थ्रू हम बहुत ये कला को हम स्प्रेड कर सकते हैं। क्या करने वाले हो आप अंदर जाकर? हम ब्रेकिंग करने वाले, कुंफू परफॉर्मिंग दिखाने वाले। ये सब चीजें आप अंदर दिखाइएगा और आप सुन लीजिए, ये सब हमारे साथ है, हमसे पंगा मत लेना। गो फॉर इट गाइस, चलो। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? राम बहादुर कार्की। राम बहादुर जी कहाँ से आए आप? मैं बम्बई से हूँ। एक्चुअली मैं बेसिकली वेस्ट ऑफ नेपाल से हूँ। बम्बई में प्रोफेशनली मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मार्शल आर्ट ट्रेन करता हूँ। लोग क्लास लेते हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी उम्र है जिसके बाद को मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता? नहीं, ऐसा उम्र नहीं सर, मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। 60 साल पे? हाँ जी बिल्कुल सीख सकते। 70 साल पे? हाँ जी, वो ताइची फॉर्म होता है वो हम सिखाते। तो ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। 70 साल का हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा आपके सीखने, पहले देख लूं आप कितना अच्छा सिखाते हैं सबको, फिर डिसाइड करते हैं। बहुत कमाल का किया आपने, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आपका एक्ट थोड़ा सा मन सकता है, आपका एक्ट थोड़ा सा और, लेकिन आपकी डांसिंग भी बहुत अच्छी थी, आपकी कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक एक्ट से दूसरे एक्ट में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो छोटी सी प्रॉब्लम थी। जो आपने अचीव किया इसमें, जो आपने दिखाया, वो मुझे बहुत इंप्रेस कर गया। थैंक यू सर। नॉर्मली मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने इतनी यूनिक चीज़ें की हैं और इतनी अच्छी तरह से वो चीज़ें की हैं, मज़ा आया लेकिन आपको देख के। थैंक यू मैम। मैं ऐसे आइटम से बहुत डरती हूँ, मुझे डर लगता है, लेकिन आप लोगों ने कमाल कर दिया। जितने भी हमारे पास मार्शल आर्ट के लोग देखे हैं, आप लोग उनमें से बेस्ट हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा था। अगर आपको 50 लाख अगर मिल गए और एक मारुति सुजुकी रिट्स मिल गई, तो उस गाड़ी का क्या करेंगे और क्या करेंगे आप? हाँ जी, वो पैसे से मैं क्लासेस चलाता हूँ, मैं रेंट बेस में
एक सबसे पहला क्लास इसके लिए करूंगा, और जो मारुति सूट मिलेगी हम चारों कभी कभार हम जुहू चौपाटी में जाते हैं जंप मारने के लिए, तो उसके लिए यूज करेंगे। लेकिन जुहू जुहू चौपाटी में जाकर समुंदर में जंप मारेंगे कि बीच पे जंप मारेंगे? बीच में, बीच सर। अच्छा चलिए वोट लेते हैं, किरण जी से पूछते हैं हाँ या ना। मेरी तरफ से आपके लिए हाँ है। Well done. बहुत बढ़िया।